हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बदना फूडी किचन में। फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ आज एक बहुत ही टेस्टी स्नैक रेसिपी, जिसे मैंने बनाया है बचे हुए चावल से। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में अक्सर चावल तो बचे जाते हैं, तो हम कभी कभी हमारा मन नहीं होता है खाने का, तो बनाइए आप इस तरह से स्नैक रेसिपी जो खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बन के होते हैं तैयार, और ये छोटे से लेके बड़ों को सभी को पसंद आएंगे, और चाय के साथ आप इनको इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं हमने कैसे बनाया है बचे हुए चावल से। तो फ्रेंड्स, हम लेंगे बचे हुए चावल, जो मेरे रात के बचे हुए चावल हैं, तो मैंने सोचा इनको कुछ हम बनाते हैं इनकी रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखाते हैं हम अगली प्रोसेस आपको। तो फ्रेंड्स, हमें लेना है 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। थोड़ा हम स्पाइसी बनाएंगे इनको। अब इसके बाद हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 चम्मच। टेस्ट अनुसार हम लेंगे फ्रेंड्स नमक। इसके बाद हम लेंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, तो लाल मिर्ची पाउडर कम या ज्यादा ले सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर और लेंगे आधी चम्मच काली मिर्ची पाउडर। इसके बाद हमें लेना है 1 चम्मच चाट मसाला। फिर हमें लेना है फ्रेंड्स 1 आलू बॉइल किया हुआ। तो हम आलू को अच्छे से फ्रेंड्स प्रेस कर लेंगे इस तरह से, अभी थोड़ा सा गर्म है। और इसके बाद हम डाल देंगे फ्रेंड्स ब्रेड का चूरा, जो मैंने बना के रख लिया था पहले ही। अब हमें अच्छे से कर लेना है मिक्स, जब तक ये थोड़ा सा हल्का सा स्मूथ नहीं हो जाता है। तो इसी तरह से हम थोड़ा मस लेंगे, बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा, तो डो बन के इस तरह से तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमें लेना है कॉर्नफ्लेक्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये नहीं है तो अब इसके जगह ब्रेड का चूरा भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इनको अच्छे से हाथों से इस तरह से हमें क्रिस कर लेना है। फ्रेंड्स, हम इनको एकदम चूरा बना के कर लेंगे तैयार हाथों से क्रिस करके, तो एकदम छोटे छोटे से इनके पीसेस हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल हमें इसी तरह से चाहिए। देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे से हो चुके हैं, तो इनको कर देंगे मिक्स साइड। अब हम लेंगे 2 जो हमने चावल का आटे का और मसाला डालकर बनाया हुआ था, इस तरह से हम लंबा आकार देंगे। तो फ्रेंड्स, आप लंबा या गोलाकार टिक्की का आकार जो भी आपको पसंद है आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें बना के रख लेना है। तो मैंने आपको एक बना के दिखा दिया है, दूसरा भी मैं आपको इसी तरह से बना के दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी पसंद हो आकार आप दे सकते हैं। तो हमें इसी तरह से छवि को बना के रख लेना है। तो देखिये फ्रेंड्स, ये बन के हो चुके हैं तैयार। तो जो कुछ भी थोड़ा सा और बचा हुआ है उसको भी हम इसी तरह से बना के रख लेंगे। तो थोड़े में से मैंने इनको लंबे आकार और पतले में आकार में किया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये बनके हो चुके हैं बढ़िया से तैयार। अब हम करते हैं अगली प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, हम लेंगे 1 कप मैदा। तो मैदा या कॉर्नफ्लेक्स आप ले सकते हैं, तो मैंने मैदा का यूज किया है। आधे चम्मच से कम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ी सी लाल मिर्ची फिर से डाल देंगे। अब थोड़ा पानी डालकर हम एक पतला सा बैटर बना के तैयार कर लेना है। तो वो तो सभी लोग बना ही लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा गाढ़ा सा रखूंगी। इसी तरह से हमें चाहिए, ना ज्यादा पतला और ना ज्यादा गाढ़ा। अब हम गैस पे रख देंगे पैन, और पैन में डाल देंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे जब तक, तब तक हम इसमें डिप कर लेंगे जो हमने लंबे आकार में चावल के बना के रखे हुए हैं। और इस तरह से हम कॉर्नफ्लेक्स के चूरे में इस तरह से लपेट देंगे इनको। तो फ्रेंड्स, सभी को हमें इसी तरह से कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जरूर बना के ट्राई कीजिए, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और डिफरेंट स्वाद आपको खाने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए तैयार हो चुका है। अब हम ऑयल में इसको करेंगे फ्राई। तो हम इनको सेलो फ्राई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हमें सभी को इस तरह से डाल देना है। तो ये खाने में बहुत ही मजेदार लगते हैं, देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। घर में कोई अगर मेहमान भी आएगा तब भी आप इनको इस तरह से बना के खिलाइएगा, चाय के साथ दीजिएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम इनको उलटते पुलटते धीमी आंच पर फ्रेंड्स हमें अच्छे से सेक लेना है क्रिस्पी होने तक। फ्रेंड्स, हम इनको इसी तरह से उलटते पुलटते रहेंगे धीमी आंच पर। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे लगते हैं, जरूर बना के आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में बच गए हों चावल तो इस तरह से बनाइएगा आप इस रेसिपी को, बहुत ही मजेदार लगते हैं। चाय के साथ आप इसको एंजॉय कीजिएगा, और आप बच्चों के टिफिन में भी इनको दे सकते हैं, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें बढ़िया सा इनको क्रिस्पी कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो देखिए, देखने में ये कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो इनको थोड़ा सा हम और क्रिस्पी करेंगे दोनों साइड से फ्रेंड्स। तो हमें इसी तरह से इनको करते रहना है, तो आप जरूर बना के ट्राई कीजिएगा।
तो फ्रेंड्स अभी हल्के से क्रिस्पी हो चुके हैं, तो इनको अब हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया लग रहे हैं, देखने में भी और खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, एकदम कुरकुरे से। तो सभी को हमें इसी तरह से निकाल लेना है और फ्रेंड्स हम इनको करेंगे सर्व। तो फ्रेंड्स मैंने इनको टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है। आपको अगर टोमेटो सॉस से पसंद है तो आप टोमेटो सॉस से भी इस रेसिपी को खा सकते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, जरूर बना के आप ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको ये पसंद आई हो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स। तो देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, तो साथ में मैंने चाय भी बनाई थी और फ्रेंड्स बहुत ही मजेदार लगते हैं, मेरे बेटे को तो ये बहुत ही पसंद आए हैं। तो फ्रेंड्स अक्सर हम बनाते हैं इनको चाय के साथ, एंजॉय कीजिए चटनी के साथ, टोमेटो सॉस की चटनी का, जो भी आपको चटनी पसंद है आप उसके साथ इनको खा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ कितने बढ़िया बने हुए हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नए वीडियो नए रेसिपी के साथ। वीडियो देखिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।